मेजर मंग तो पॉडकास्ट चैनल देख रहे सारे दर्शकों अदब सत्कार नाल सत श्री अकाल। सो जिस तरह दोस्तों असी थानू वक्खो वक्खरियां शख्सियतां नाल मिलाउंदे रहिंदे हाँ आपदे इस चैनल ते, सो अज सानू दसदे हाँ बहुत ही खुशी अते माण महसूस हो रहा है कि अज जिहड़ी साडी गल्लबात है वह पाकिस्तान दे बहुत ही नामवर अदीब प्रोफेसर आशिक रहीम साहब नाल हो रही है। सो वह किसी जाण पछाण दे मुहताज नहीं, बहुत सारिया किताबां उन्होंने अनुवाद कीतियां, तकरीबन 50 दे करीब किताबां उन्होंने अनुवाद कीतियां ने, 16-17 आपदियां उन्हां दियां जिहड़ियां मौलिक पुस्तकां ने। तो आओ आपां उन्हां दी जवानी जाणदे हां। ते अज कल इह टोरंटो दे विच आए हुए ने ते कुछ समां टोरंटो दे विच गुजारदे ने, कुछ समां जिहड़ा हैगा लाहौर दे विच गुजारदे ने। सो प्रेस साहब तुहाडा निघा स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। हाँ जी, तो प्रेस साहब तुसीं अज कल टोरंटो दे विच आए हुए हो ते इत्थे भी तुसी काफ़ी सरगर्म रहिंदे हो, तो दोनों पंजाब ने जिहड़े उन्हां दे विच तुहाडे लेखकां नाल विद्वानां नाल बड़े अच्छे तालुकात हैगे ने, ते तुसी उन्हां नूं मिलदे गिलदे हो। सो इत्थे आ के तुसी पिछले 6 महीनियां दे विच काफ़ी सारे समागम फंक्शन ने जिहड़े अटेंड कीते ने, सो किस तरह लग रहा तुहानूं? मैनूं इत्थे आ के इस तरह महसूस हुंदा जिद्दां मैं सब तो वड्डे पंजाब दे विच आ गया हुआ। हाँ जी, लहदा पंजाब चढ़ते पंजाब मैं देखी है, दोनों जगह तो मैं गया, लेकिन जब कनेडा चाहना तो इतने पंजाबी जड़ियाँ तंजीम वो बहुत ज़्यादा बड़े फंक्शन इतने होंगे रहते हैं, लोग पंजाबी बोलने वाले मिलते हैं, बल्कि इतने ताई कि मैं इतने दुकाना के जो साइन बोर्ड भी वह भी पंजाबी लिखे देखे ने। तो मैं इस समझदा कि यह तीसरा वड्डा पंजाब है। दो पंजाब जोड़े साढ़े उधर है, लहदा चढ़ता पंजाब हो इन्हें उत्थे पंजाबी बोलन लोग पंजाबी नहीं बोलते जिन्हें इतने बोलते हैं, वो पंजाबी नाल इतने बड़े जाने अपने तरीके नाल अच्छा निभा कर रहे हैं। हाँ जी, तो प्रेस साहब के बारे आप पहले भी थोड़ा एक ब्लॉग के मुलाकात करवाई सी। सो मैं जो इन बारे गल करदा तो मैं कहना कि साढ़े चढ़ते तो लेंदे पंजाब के विचकार एक पुल के तौर पर काम करते हैं। सो बहुत सारिया किताबा ने जिहड़ियां इन्होंने अनुवाद कीतियां ने, साढ़े जिहड़े इधर चढ़ते पंजाब के लेखक सी ते उन्होंने इन्होंने लहदे पंजाब के जिहड़े पाठकों तक पहुँचाया, तो बहुत सारिया जिहड़ियां उधरलियां किताबां सी तो वह इन्होंने अनुवाद करके साढ़े इधर तक पहुँचाइया ने। तो प्रेस साहब तुसीं दस्सो कि तुसीं 50 दे करीब किताबां ने कीतियां ने। जी बिल्कुल, मोस्टली कहानियां दीआं सीगीआं, कहानियां भी कुछ दूसरियां किताबां एसेज भी सी, लेकिन ज़्यादातर कहानी ही है जिहड़ियां लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं कहानियां ज़्यादा कीती हैं। हाँ जी, तो 50 दे करीब किताबां बहुत मेहनत है जी, सफरनामे भी कीते जिहड़े पंजाब दे सी। हाँ जी, तो ये दोस्तों की मेहरबानी है, तुहाडे वर्गे दोस्त जिहड़े अपनी गुरमुखी लिपि दी किताबां मैनूं घल्लदे रहिंदे आ, तो फिर पढ़ के मैनूं मज़ा आउंदा तो मैं फिर उन्होंने शाहमुखी लिपि कर लैंदा, तो दोस्तों की मेहरबानी उन्होंने फिर शाहमुखी लिपि छापन का भी मौका मिल गया। प्रेस साहब तुसीं कमाल इस गल का है कि वैसे तो सब थोड़िया जिहड़ियां रूट्स ने, आपां इहदे बारे भी गल करांगे, वो चढ़ते पंजाब च ने, तुहाडा बचपन है जिहड़ा उत्थे बीतिया है, तो चल पहले दस ही दो कि तुसीं उत्थे किहड़े इलाके नाल संबंधित हो। मेरा जिहड़ा जी दादका पिंड जिहनूं कहिंदे आ, हाँ जी, वह भदौर रियासत पटियाला दे विच सी। हाँ हाँ, लेकिन उत्थे पढ़न लिखन दा सिलसिला ज़्यादा नहीं सी, स्कूल नहीं सन, इस वास्ते मैं अपनी तालीम अपने नानकियां दे शहर नूर महल जिला जलंधर दे विच सी, उत्थे सारी हासिल कीती। पार्टीशन तक मैं उत्थे रहा, ते मेरे जिहड़े वालिद साहब सी वो उत्थे रियासत पटियाला दे विच उन्होंने शहीद कर दिता गया, वो पाकिस्तान दे विच नहीं आए। मेरी जिहड़ी माँ सी वो सोया नाल के उन्होंने शौहर नूं उत्थे शहीद कर दिता गया, वो पाकिस्तान च आ के सिर्फ 2-3 महीने जिंदा रही, वो भी इत्थे आ के फौत हो गई, तो मैं यतीम बन के इतने जिंदगी गुजारी। देखो जी, ये बड़ा दुखावां तो दोनों पासे ही वापरिया, बिल्कुल परिवारों के परिवार उजड़ गए, तुसी वह बोझ लैके दिमाग ते इधरले पासे भी उधरले पासे भी वो लोग अपना मतलब साडी पीढ़ी है जिहड़ी वो विचर रही है, तो तुसी मतलब महसूस करदे हो कि इधरों लोग तुसी दस्सिया सी हुणे कि तुसी सफरनामा अनुवाद कीता, इधरों भी किन्ने लोग ने जिहड़े अपने उधर रह गए घर देखण, अपने वो थावां देखण जांदे ने, तो उधरों लोग ने जिहड़े इधर आउंदे ने। सो तुसी जिहड़ा हैगा
मेरा ख्याल है तुसी भी उस एरिए भावें बचपन के थोड़ा समा बताया होगा भुल नहीं सके। बिल्कुल मैं फिर उत्थे गया भी हाँ अपने जिथे मैं नूर महल जिथे मैं पलिया बढ़िया जितों सतवीं तक तालीम हासिल की मैं उसे दो दफा गया अपना घर देखा अपना स्कूल देखा जाके इस तरह जाके उ अपनी तबीयत खुश की जगह देख के जिथे मेरा बचपन गुजरिया। हाँ जी हाँ जी तो अपना जो पुराना पिंड जिथे मैं रहा ही नहीं उत्थे मैं नहीं जा सकिया सिर्फ ना ही सुने बचपन जी कभी गया जब पैदा होया चार पाँच साल का सी तो मैं इस तरह ही याद आनी है जिस तरह मैं तस्वीर के भी देखे हो असं जिथे बैठ के यह गलबात कर रहे हैं मैंने खुशी होंगी इतने एक लड़की काम करती है वो उस पदौड़ की रहने वाली है। अच्छा तो मैं जब आँदी है तो मैं देख के बड़ा खुश हूँ कि मेरे बालद के पिंड की है मेरे उस पिंड की रहने वाली जिथे मेरा बालद शहीद हो। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल सो जादा ने जिहड़ियां तुसीं उह हमेशा आपदे सीने च रख के चलते हो तो भावें बंदा किते भी रहे तो तुसीं उह चीज़ां नूं भुल नहीं सकते। तो प्रैस साहब गुरमुखी पढ़नी तुसीं फिर इधरले पंजाब च आ के सीखी? जी बिल्कुल इस मैं रसाला लहरां दे नाल जुड़े हुए सी उसकी वजह मेरे एक दोस्त बन गए करतार सिंह अर्श सी ईस्ट पंजाब दे विच लैंदे चढ़दे पंजाब दे विच उन्होंने मैंने एक बार खत लिखा कि जो तैनू गुरमुखी लिपि पढ़नी आती होंगी तो मैं अपनी किताब भेजदा किताबा भेजदा अपनी मैं इनू चैलेंज समझिया। मेरे एक दोस्त होंगे सी आसफ खान साहब जेडे गुरमुखी लिपि जानते सी पढ़ सकते सी लिख सकते सी मैं उन्होंने को गया वो पंजाबी अदबी बोर्ड लाहौर के कायम सी सैकटरी से मैं उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें गुरमुखी लिपि सिखा दो तुसी यकीन करो कि गुरमुखी लिपि लिपि मैं कोई दसा पंद्रह दिन ही सीख ले अच्छा दिन पढ़ मैं पढ़ के पढ़िया समझिया कोई उन्होंने मैंने अखबार दिता पंद्रह दिन बाद गुरमुखी एक लिफा अखबार जी सुरखी से मैंने कहा पढ़ के सुना मैं उन्होंने पढ़ के सुना दी उन्होंने कहा तू पास हो गया उसके बाद मैं इन्नी खुशी हुई मैं फिर करतार सिंह अर्श ने उन्होंने खत लिखा कि तुम अपन किताबा कर लो मैं हम पढ़ के लैंना तुम यकीन करो मैं उन्होंने किताबा पढ़िया बल्कि एक किताब के उन्होंने लिखे हुआ सी एक गल लिखी कि नकोदर तो जलंधर दो घंटे लगते हैं तो मैं उन्होंने गलती कटी मैं क्या जल वो तो सिर्फ पंद्रह मील का फासला जी दो घंटे किसान लग सकते तो उन्होंने कहा ठीक है मेरी गलती जानकार हो गए बिल्कुल तुहानू मतलब सारिया चीज़ा मतलब गलतियाँ मतलब जान आनंद लैना वो सारा कुछ तुम्हें मतलब जिदा कर लग गए उसके नाल तुम फिर बहुत सारिया किताबा मतलब थोड़ा ख्याल आया कि मैं किताबा ने जिड़िया उन्होंने शाहमुखी च करा। मेरा ख्याल है कोई मैं पचास के करीब गुरमुखी लिपि शाहमुखी लिपि गुरमुखी लिपि तो शाहमुखी लिपि के कर चुके हैं। हाँ जी तो दोस्तों तक पढ़ाइया छुपवा के तो कुछ दोस्त अपनी किताबा मैं भेज दें कि इन्होंने शाहमुखी भी छापो तो फिर मैं उन्होंने छाप दिना लिपियां तो भी मैं खुद कर दाँ छुपाने का बंदोबस्त पैसे तो वही खर्च करते हैं लेकिन छुपाने का बंदोबस्त मैं कर दिना। हाँ जी हाँ जी इस तरह वो सिलसिला उधर भी पढ़िया जा सकता साढ़े बाल। हाँ जी तो थोड़ी मौलिक किताबा कि मेरिया मौलिक किताबा कोई पंद्रह के करीब है जिससे कि मैं याद है कि छे मेरे सफरनामे हैं जोड़े मैं मुख्तलिफ मुल्क सफर किए तो उन्होंने मुतलक लिखे है दो मेरे इंशाइयां दी किताबा जिन्होंने अंग्रेजी लाइट ऐसे कहें एक मेरा कहानियां का मनू है जोड़ा गुरमुखी लिपि के छपया वो फिर कुछ मेरे अखबार के कालम है उन्होंने किताब छपी इस तरह कुल मिला के मेरी कोई पंद्रह के करीब किताबा बन गई अपनी तो ज़्यादा कहानी लिखते हैं जो कि सिनफ ज़्यादा लिखते हैं? मैं ज़्यादा इंशाइया लिखिया लाइट ऐसे जिन्होंने कहा जाता वो मैं ज़्यादा लिखिया तो ज़्यादा सफरनामे लिखे गए मैं सफ़र करने का ज़्यादा मौका मिले मैं जिते जिते जाता रहा उतने का सफरनामा लिखा। किन्ने सफरनामे छे सफरनामे मेरे यानी कि दो इंडिया के सफरनामे एक इंग्लैंड का सफरनामा सऊदी अरब का सफरनामा फिर एक इतने का सफरनामा कैनेडा अमेरिका का जो ना ही नियागरा नियागरा के आर पार है जो ना इस तरह कुल मिला के मेरे छे सफरनामे इंडिया में गया कोई हर तीन दफा गया तीन दफा गया दो दफा अपने तौर पर एक दफा एक तंजीम
उन्हें सू बुलाया सी जरिए असी दिल्ली तो अलीगढ़ तक भी गए। अलीगढ़ में भी जाकर मैं अपनी पंजाबी कहानी सुनाई सी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फंक्शन के उत्थे जाने का मौका भी मिले। सो फिर तुम भदौड़ भी गए? नहीं भदौड़ मैं नहीं जा सकिया क्योंकि उत्थे मेरा कोई ज़्यादा दोस्त नहीं सी उत्थे मेरा तल्ला भी ज़्यादा नहीं रहा लेकिन नूर महल मैं जाता रहा। नूर महल मेरे जानने वाले से उत्थे मेरा बचपन भी उत्थे गुजरिया सतवीं तक मैं उत्थे पढ़िया भी स्कूल भी मैं अपना पुराना देखिया उत्थे सराम भी देखी नूर महल की सराम मशहूर सी बिल्कुल जी वो भी मैं देखी। तो बल्कि मैं जिस दिन अपने स्कूल गया उस दिन मैं पता चलिया कि स्कूल उतो शिफ्ट करके किसी और जगह जा रहा। चलो मैं शुक्र किया कि मैं वो जगह जाकर देख रही जिते मेरा स्कूल से जितों मैं सात जमात जिते मैं पढ़िया। हाँ जी प्रोफेसर साहब तुम पढ़ाते भी रहे हो यूनिवर्सिटी के सबजैक्ट पढ़ाते कि यूनिवर्सिटी पढ़ाते कि पढ़ाया? यूनिवर्सिटी ने भी साइंस कॉलेज से। अच्छा साइंस कॉलेज में पढ़ाया मैं 35 साल तक पढ़ा रहा। हाँ जी मैथमैटिक्स मेरा मैथमैटिक्स मजमून सी लेकिन बाद दोस्त मैंने समझे कि मैं पंजाबी का प्रोफेसर रहा क्योंकि मेरा पंजाबी नाल ज़्यादा तलक रहा लेकिन दर हकीकत मेरा तलक मैथमैटिक्स के नाल सी। जिहड़े मशहूर नोबल प्राइज इन्होंने हासिल किया प्रोफेसर अब्दुल सलाम मैं उन्होंने शागिर्द रहा। मैंने बड़ा फख्र है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के मैं उन्होंने स्टूडेंट रहा तो उन्होंने वजह नाल ही उन्होंने थप्पी के नाल भी मैं खुद इंग्लैंड जाके पढ़ने का मौका मिलया। मैं लंदन यूनिवर्सिटी तो भी एम एस सी की तो इस तरह मैं लंदन देखने का उत्तर रहने का भी मौका मिल गया। तो फिर लंदन रहे तुसी? जी जी तो फिर यूनिवर्सिटी मैं एम एस सी उतो की एम एस सी की तो बहुत देखो जी ये तुम देखो भी किन्ने इंटलैक्चुअल है ये तो लंदन भी रहे तो होर इतने इन्हों का जोड़ा इतने के साहित्य खेत्र ने उन्होंने भी बड़ा इन्हों का नाँ है तो यूनिवर्सिटी के भी पढ़ाते रहे किताबा भी अनुवाद करते रहे तो जड़िया साहित्यक सरगर्मिया ने उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लेंदे रहे तो बहुत सारिया कॉन्फ्रेंसा के बहुत सारे साहित्यक समागम कवि दरबार तो उन्होंने बारे आप जानना चाहते हाँ कि इन्होंने जोड़िया साहित्यक सरगर्मियां चाहे वह परचा कढ़ते चाहे वह कॉन्फ्रेंसा कराते तो उन्होंने प्रेस साहब कि सरगर्म रहे। कोशिश मेरी यही रही है कि मैं हिस्सा लेंदा रहा थोड़ा मैं दसिया कि लहर परचे नाल भी मैं मेरा तलक रहा बड़े अरसे तो निकल रहा है वह हूँ भी निकल रहा फिर असी अपना एक रसाला कढ़िया स्नेह के नाँ से वह हूँ तक भी छाप रहा और बड़े अच्छे तरीके छाप रहा। लेकिन यह कि साढ़े दोस्त जोड़े है वह कुछ पंजाबी वाल घट ही आते हैं लिखते बहुत थोड़ा चलो बोलने के हद तक लिखने तो मिनट करके लिखाने इतने तक कि जोड़ा पंजाबी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का उत्थे जोड़े प्रोफेसर है उन्होंने असं कहने कि तुम लिखो अपने स्टूडेंट तो भी लिखवाओ लेकिन वह कहते स्टूडेंट्स लिखते ही नहीं और जोड़े पढ़ाने वाले भी अपने जोड़ा उन्होंने कोर्स है वह तक ही वही किताबा पढ़ी हुई हैं उन्होंने ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सानू बड़ा अफसोस है कि असी अपनी जी माँ बोली है वह छड़ते जा रहे हैं वो वाल घट ही तवजो दिने चाहिए। तो यह है कि जी सा अपनी माँ बोली है माँ की जबान है वो इज्जत करनी चाहिए उन्होंने बोलना चाहिए वो लिखना चाहिए उन्होंने तरक्की देनी चाहिए। बिल्कुल जी सो प्रोफेसर साहब चाहे साढ़े दोनों पास जी है लिपि वो वक् वक्री हैगी है तुसी पंजाबी शाहमुखी के लिखते हो तो असी इधर गुरमुखी के लिखते हैं लेकिन साडा जिहड़ा कल्चर हैगा साडा रहन सहन खाण पीण साडी बोलण दी भाषा वो इको ही है। हालांकि आपां इह गल भी पहलां करदे सीगे कि जिहड़ी भारतीय पंजाब है इह जिहड़ी भाषा थोड़ी जिही इहदे ते संस्कृत हिंदी का प्रभाव जिहड़ा हैगा वो ज़्यादा वधिया लेकिन तुसीं की महसूस करते हो जदों तुसीं देखते हो मैं तुहाडे नाल गल्लां कर रहा जां तुसीं पंजाब गए जां तुसीं इधरला साहित पढ़ते हो तुहानूं की फर्क लगता है पछमी पंजाब की पंजाबी भाषा का तो पूर्वी पंजाब की भाषा का? जिथे तक बोलन का गलबात करन का तलक है उहदे च कोई ज़्यादा फर्क नहीं दोनों पंजाब पास के जिहड़े पंजाबी है वह आपस उस तरह ही बोलते हैं एक दूसरे की गल समझ आते हैं लेकिन जिस तक लिखन का तलक है रसालियां मजामीन किताबा वगैरह उधर ही पंजाब जी चढ़ते पंजाब की जी पंजाबी है वो हिंदी के संस्कृत के बहुत लफ्ज़ शामिल हो गए जिन्होंने समझना बड़ा मुश्किल हो गया साढ़े वाल के लोग उन्होंने नहीं समझ सकते क्योंकि वो बड़े मुश्किल है मैं भी बड़ी मुश्किल उन्होंने समझना लोगों देखना दोस्तों पूछना
उन्होंने पूछ पूछ के मैं इस काबिल होया कि मैं वो लफ्ज समझ सकता। बेहतर यह होंगे कि असी दोनों पासे दे पंजाब पुरानी पंजाबी लिखते बोलते ताकि एक दूसरे के नेड़े रहेंगे, लेकिन ये कोशिश पता नहीं जान बुझ के की गई है कि उधरली पंजाबी इधरली पंजाबी दे फर्क पैदा हो जाए, लेकिन है कि दोनों पासों की पंजाबी जबान एक ही है। बिल्कुल कल्चर एक है। मैं तुम दसदा कि मैं इंडिया भी गया, मैं लाहौरों जिस वे अमृतसर पहुंचे तो ऐसा लगे कि मैं अपने शहर च आ गया। बिल्कुल उस समय लोग उस समय दुकाना उस समय उस समय रक्षे वाले उस समय सब कुछ सब एक जहाँ कोई फर्क नहीं। लाहौर बिल्कुल बिल्कुल फर्क सिर्फ एक लकीर का जी लकीर जो है वह दरम्यान है, बाकी दोनों पास 15-20-35 किलोमीटर ना कि फर्क पै जाता पहला भी मतलब लोग बिल्कुल बिल्कुल एक जाए। हाँ जी हाँ जी प्रेस साहब पाकिस्तान के खास तौर पर जो लाहौर का एरिया जो पंजाब का एरिया उत्थे काफ़ी जड़िया साहित्यक सरगर्मियां ने होंदिया रहिंदियां ने, कॉन्फ्रेंसा भी होंदिया रहिंदियां ने, लोग इधरों काफ़ी जाते हैं, कई कई कवि दरबार भी होंदे रहिंदे ने। सो इन बारे साढ़े इधरले दर्शकों को थोड़ा जिहा दसोंगे भी किस तरह दीआं सरगर्मियां होंदिया ने, सो किस तरह के जिहड़े लोग ने उत्थे पेश होंदे ने। हाँ जी सरगर्मियां तो बहुत होंदियां, कॉन्फ्रेंसा भी होंदियां जिन्हां नूं असीं पंजाबी कॉन्फ्रेंस कहिंदे आ, वो दो तीन दिन होंदियां उहदे बाद वो बिल्कुल उस पुराने जमाने पुराना तरीके उस इस्तेमाल होता ना, फिर पंजाबी गल करते ना अपने बच्चे ना पंजाबी बोलते हैं सिर्फ कॉन्फ्रेंसों के बीच ही होंगे। मैंने एक गल चेते आ रही है कि 21 फरवरी से वो माँ बोली दिहाड़ मनाया जाता है 21 फरवरी तो लाहौर के एक जगह लोग इकट्ठे हुए थे उत्थे पंजाबी दे हक विच तकरीर हो रही सी, तो एक दोस्त पंजाबी तकरीर पंजाबी दे हक विच तकरीर कर रहा सी, वो तकरीर कर रहा सी तां उहदे घरों फोन आ गया, उन्हें कान नाल फोन लाया तो वह पंजाबी बजाय उर्दू में गलबात करनी शुरू कर दी, गलबात करने तो बाद फिर वो पंजाबी दे हक विच तकरीर लग पिया, सुनने वाले बड़े हैरान हुए कि पंजाबी दे हक विच तकरीर कर रहा, लेकिन घर गलबात उर्दू की है, ये दोगलापन कद तक खत्म होएगा, जब तक ये दोगलापन खत्म नहीं होंगे तो पंजाबी वाल कौन तवज्जो दे सकदा। हाँ थोड़ी गल ठीक है, इधर साढ़े वाली साइड पर भी जी जिन्हें बंदे पंजाबी दी गल्लां करते हैं तो जब तुम उन्होंने अपने घर जाकर देखते हो तो उन्होंने बच्चे ने जोड़े वो पंजाबी मीडियम से गल करके भी राजी ने, वो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश स्कूलों जाते हैं, है जी, और प्रोफेसर जोड़े पंजाबी के ने उन्होंने बच्चे भी मैं बिल्कुल मैं तो थोड़े भी ये मिसाल देना असं मोगे गए, मोगे के एक स्कूल कवि दरबार से उत्थे असी बैठे से तो कुछ टीचर तो स्टूडेंट्स भी इधर उधर फिर रहे थे तो एक दो स्टूडेंट्स आपस पंजाबी जबान में गलबात कर रहे थे, उन्होंने सुन के उन्होंने एक टीचर आया तो उन्होंने उन्होंने बड़ा दब किया कि तुम पंजाबी क्यों बोल रहे हो, इंग्लिश क्यों नहीं गलबात करते। मैं सुन के हैरान रह गया कि पंजाब मैं बैठा तो बच्चों को यह कह रहे कि तुम पंजाबी क्यों बोल रहे हो, इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे, ये सुन देख के सुन के मैं बड़ा अफसोस होया कि इस पंजाब के बच्चे ये साढ़े पंजाबी तरह ही हो रहे पंजाबी तो दूर किया जा रहा बच्चों। हाँ जी सुप्रीत साहब अजक मतलब जहाँ जो ढाहा पुरस्कार है जी वो काफ़ी चर्चा के हैगा, वो इधरले पासे भी लेखकों को दिता जाता तो उधरले पासे भी जो फिक्शन राइटर्स ने उन्होंने भी दिता जाता, तो हरेक बारी पाकिस्तान का भी राइटर कोई ना कोई होंगे कि जड़ा है पाकिस्तान दे विच वो जी शाहमुखी दे विच पंजाबी लिखी जाती है तो काफ़ी सारिया किताबा आदि ने जां मतलब कि जो तुसी दोनों पंजाबों की कहानी देखते हो कंपेयर करते हो तो थानू लगता है भी कि उस तरीके की कहानी लिखी जा रही है, कहानी का म्यार जरा साढ़े वाले एडा उच्चा नहीं है एडा अच्छा नहीं है जिन्ना चढ़ते पंजाब दे विच गहां पुरस्कार जरा मैं सुनिया तो है कुछ लोगों मिले भी देखे लेकिन मैं नहीं समझ आती वो कि दिता कि सिफारिश से दिता जाता। अच्छा एक दो किताबें मैं पढ़िया जिन्होंने ये अवार्ड मिले मैंने उन्होंने कोई खास चीज़ नज़र नहीं आई क्योंकि वो इस काबिल उन्होंने हक अवार्ड मिलेगा वो भी वाकफियत ही मेरा ख्याल मिलते हैं पंजाब साढ़े पंजाब कोई बंदा उन्होंने मुकर्र किए हैं वो जी मर्जी किताब चाहते उन्होंने भेज देंगे जी नहीं चाहते नहीं भेजते। हाँ, कोई दसना म्यार के मुताबिक दसना चाहिए।
हाँ जी मैंने पता। दूसरा ये है कि साढ़े वाल लिखे ही बहुत घट जा रहे हैं। मैं हैरानी हो रही है कि जिन्हें थोड़े नानक सिंह एक गुजरे उन्होंने जिन्हें नावल लिखे है वो साढ़े को अज तक किसी ने भी यानी इन्हें साढ़े पंजाबी इधर लिखे ही नहीं गए। वो नावल तो बहुत ही घट लिखे गए। कहानियाँ लिखने वाले थोड़े बहुत है लेकिन नावल की कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती गई जिसे कोई इनाम दिता गया हो अवार्ड दिता गया हो। एक दो बंदियों के नाम मैं सुने हैं वो सिर्फ अवार्ड ही है कि सुने हैं कि वो लेकिन मैं अपनी उसे लाहौर महफल आदि हैं उन्हें मैं उन्होंने शामिल घट ही देखे। एक बंदे का नाम नैन सुख सुने मैं सिर्फ सुने ही है लेकिन मैं अज तक उन्होंने देखा नहीं लाहौर के कितने रेंदे है कि महफल चाहते हैं वो की लिखते हैं की नहीं लिखते। बहुत सारे लोग इस तरह है। हाँ जी तो आसमान उतों दस्थावान ने मतलब काम कर रही ने ज मैगजीन निकल रहे ने थानू लगता है भी कि उत्थे जोड़ा है पंजाबी का किसी दिन काफ़ी जोड़ी तरक्की है हो सकती है। मैं अफसोस कहना पै रहा कि मैं नज़र नहीं आ रहा जो हालात अगर मद्देनज़र रख के नज़र के सामने रख के देखा जाए तो पंजाबी तरक्की करती नज़र नहीं आती। मैं घट ही होंगे नज़र आ रहा है सिलसिला। हाँ जी क्योंकि क्योंकि पहले पंजाबी रसाले निकलते होंगे सी हूँ मैंने एक अपना सुनेहा तो लहर ही के ना आते हैं बाकी मैं नहीं पता कि लाहौर कि रसाला निकलता। 12 करोड़ पंजाबी असी उधर हैं कोई एक अखबार नहीं पंजाबी निकलता। एक अखबार का ना जरूर सुने जो ना ही भुलेखा वो बस भुलेखा ही भुलेखा है अखबार का कभी नज़र नहीं आया। हाँ जी जिहड़े लाहौर ते पंजाबी दा स्टेशन हुंदा सी रेडियो दा या टैलीविजन दा वो काम करदे ने कि नहीं। रेडियो स्टेशन भी है टीवी स्टेशन भी है बहुत घट प्रोग्राम होंगे हफ्ते च एक अद्धी दफा रेडियो ते हो गया प्रोग्राम रचनाब दे नाम ते हुंदा सी। इस समय तो टीवी ते भी बहुत घट पंजाबी दे विच हुंदे आ। शुरू शुरू तो मैं बड़े रेडियो ते जांदा रहा लेकिन हुण उत्थे भी इन्ना जोर नहीं रहा कि पंजाबी के राइटर बुलाया जाए या टीवी के जाया जाए। तो जो ड्रामे ने उन्होंने की स्थिति है जो स्टेज पर ड्रामे हो रहे मैं अज तक देखने का मौका नहीं मिले। मैं सिर्फ फिल्म मजाइया ज्यादा होंगे जिंद वजह लोग आन और मजाइए के बच्चे भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि लोग अपने बाल बच्चे में ना ले लेके जा सकते लो स्टैंडर्ड जा लो स्टैंडर्ड हो जाए। हां जी हां जी हां जी हां जी ते चलो हां जी तो साडी ता मतलब इहो दुआ है वे दोनों पासे जेड़े पंजाब ने उस साहित्य खेत्र दे विच जां होर हैगा वो तरक्की करन क्योंकि तुहाडे हाणी जेड़े लोग ने इन्होंने बड़ा काम किया जी। इन्होंने मैगजीन भी कढ़े इन्होंने किताबों के अनुवाद भी किए लिपियंत्र कीतियां किताबां तो इन्होंने कॉन्फ्रेंसा भी करवाइया तो बड़े जथा के जथे इधरों उधर एक दूजे पासे आते रहे लेकिन हम फ्यूचर की होगा भविख की होगा तो वो बारे फिक्रमंद ने सारे। हाँ मैं अपनी जिंदगी तक यह है कि कॉन्फ्रेंसा तो ज़्यादा होने लग पी हैं। हाँ जी हाँ पहले फखर रहमान साहब भी करवाए थे। हाँ जी हूँ पंजाबी नाज पंजाबी साहब है उत्थे उन्होंने पिछले साल तो करवानी शुरू कर दी है। बड़े लोग आते बड़े फंक्शन होंगे है वो सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके चले जाते बाद कोई ए, 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 पैसा भी को फैशन जहा नहीं बन गया फैशन बन गया नौ बना बिल्कुल। फखर जमान ने ऐलान किया मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी बनावगा वो अज तक पंजाबी यूनिवर्सिटी नहीं बनी तो पंजाबी जो जबान है वो स्कूलों कॉलेजों में भी घट ही पढ़ाई जाती है बहुत यानी लोग बच्चे उधर ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। अगर इस तरह सिलसिला हो जाए बल्कि गौरमेंट को तवज्जो गौरमेंट के कोल तकाजा करन कि स्कूलों में पंजाबी कॉलेजों में पंजाबी आ जाए क्योंकि जो पंजाबी पढ़ के एम ए पंजाबी कर कर रहे हैं वो बेचारे फिर फिरते रहेंगे उन्होंने कोई नौकरी नहीं मिलती जोड़ा खाण पीन का उन्होंने कोई वसीला नहीं बनता है पंजाबी पढ़ के तो फिर कोशिश ही करते कि पंजाबी ना ही पढ़े। अगर पंजाबी भी रोज़गार का वसीला बन जाए एम ए पंजाबी करके उन्होंने नौकरी वगैरह मिल जाए मुलाजम मिल जाए तो इधर ज़्यादा लोग आ सकते हैं लेकिन ये जरिया नहीं है। हाँ जी तो हूँ आप थोड़ी जी इतने बारे गल करेंगे देखो जो सू अपरचुनिटी मिली है बिया कैनेडा के तीसरा पंजाब होर बस गया पहले पूर्वी तो चढ़ते तो लेंदे पंजाब की गल करते लेकिन जो बाहरले मुल्क बसया हो पंजाब है तो असी उ भावें साडा जो डिस्टेंस है लाहौर तो अमृतसर का
30-35 किलोमीटर है, लेकिन असं एक दूसरे को मिल नहीं सकते। तो वो लोग जो इस मुल्क आए, कनेडा के आए, वो दोनों पंजाबों तो लोग आए, हाँ जी भारत तो भी आए, पाकिस्तान तो भी आए, इंग्लैंड तो भी आए, जर्मन तो भी आए। इतने एक नवा माहौल है जोड़ा सिरजा गया। तुम चाहे जो प्रोग्राम है साहित्य, वो चाहे कोई पाकिस्तान के अदीप करवा रहे हो, चाहे इंडिया के अदीप करवा रहे हो, तुम दोनों पासे जरा जाने तो तुम की महसूस करते हो कि थोड़ू इतने जोड़ा एक नवा माहौल, एक नवा पंजाब जोड़ा सिरजा जा रहा या साहित्य रचा जा रहा, ये बारे की कहना चाहोगे? मैं अर्ज करना कि मैं दोनों पंजाब देखे, चल के बगैर तो मैं रह रहा लेंदे पंजाब के मैं पैदा होया, उसे तक सतवीं तक तालीम भी हासिल की। लेकिन जब इधरले पंजाब इतने कनेडा के आया तो मैं लगता कि मैं बड़े पंजाब के आ गया। जिन्हें सरगर्मियाँ इतने हो रही हैं पंजाबी अगे ले जा रही हैं वो तो सारे दोनों पंजाब नहीं हो रहे। मैं पहले दसिया कि साढ़े चढ़ते पंजाब मैं कोई पंजाबी अखबार नहीं निकलिया, रसाले भी एक बहुत घट निकलते हैं। इसे जब मैं आया पहली दफ़ा देखा तो बड़े पंजाबी रेडियो स्टेशन, पंजाबी टीवी स्टेशन, पंजाबी अखबार 7-8 देशों शहर चो निकल रही सन, रसाले इतों निकल रहे थे, लोग घर पंजाबी बोलते सी, बच्चों पंजाबी बोलते सी बालों नाल, इस तरह के अखबार के सॉरी दुकानों जोड़े साइन बोर्ड आ वह भी पंजाबी लिखे सन। जिन्ना चर्चा इतने पंजाबी का सी उसे दोनों पंजाबों से नहीं, इतने आके मैं बड़ी खुशी हुई पंजाब आ गया, बड़े पंजाब आ गया। हाँ जी, तो बिल्कुल जी सच्ची गल है कि इतने बल्कि इतने जो तंजीम वो फंक्शन भी ज़्यादा करवाई हैं, कलमों का काफिला काफ़ी अरसे चले आ रहे हैं। हाँ जी, अजीत अखबार दाल कलम फाउंडेशन है वो हर महीने अपना कवि दरबार करवाए है, साल के बाद कॉन्फ्रेंस भी करवाए है, पंजाबी साहित्य सभा वह भी बकायदा फंक्शन होंगे, उत्थे भी बड़े लोग शामिल होंगे ने। इस तरह इतने का बड़ा चर्चा पंजाबी समान जिहड़ा साडे दोनों पंजाबों के बीच ने। तो मैं ये भी साडे दर्शकों को दसदे हाँ कि प्रोफेसर आशिक रहील साहब उन्होंने मेरी जिहड़ी किताब कलियां ते उगे थोर सी वो 2006 ने रिलीज़ की, तो 18 साल हो गए ने साडे आपसी मतलब जिहड़े संबंध ने वो इन्ने ने, मैं देखिया इन्हां नूं इत्थे विचरदे होए तकरीबन ये भावें किसी भी संस्था का प्रोग्राम हो गए बगैर किसी उहदे तों कोई गुट जिवें इन्हां दे विच है नहीं कोई मतलब भी इत्थे नहीं जाना उत्थे नहीं जाना, हर जगह जाते हैं तो अपने कीमती विचार देंगे ने, तो इन्हां दा बहुत सारा काम है। तो इन्हां असी मतलब जिवें हमेशा दुआवां करते हैं कि इस तरह काम करते रहन, इस तरह इन्हां दे अनुवाद आउंदे रहन, इस तरह इन्हां दीआं किताबां आउंदीआं रहन, तो इस तरह ये जिहड़ा दोनों पंजाबों नूं जोड़न दा काम करते रहन। तो प्रोफेसर साहब तुसीं अंत ते की कहना चाहोगे साडे दर्शकां नूं? अंत ते मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करांगा। हाँ जी, मांगर साहब कि तुसीं मैनूं याद रखदे हो, मेरे नाल गलबात करदे हो, मेरी गल अगे बात अगे दोस्तों तक पहुँचाते हो, तो मैं अपने दोस्तों अपने दोनों पंजाबों यही कहांगा कि अपने बालों बालों पंजाबी बोलो, उन्होंने पंजाबी पढ़ाओ, क्योंकि जी अपनी जबान होंगी अपनी माँ बोली होंगी है उन्होंने छड़ के कोई बंदा तरक्की नहीं कर सकता। अगर तरक्की करनी है तो अपनी माँ बोली की जरूर इख्तियार करो, वो लिखो पढ़ो, यानी इंसाफ करो, बिल्कुल जबान नाल इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। तो दर्शकों उम्मीद करदा कि ये गलबात तुहानू चंगी लगी होगी, से तुसी कदे पाकिस्तान जावो लाहौर जावो तो प्रोफेसर साहब नाल तुसी गल भी कर सकते हो, इन्हां नू मिल सकते हो, तुसी कनेडा आवो तो इत्थे 6 महीने होंगे ने तो इत्थे भी इन्हां नाल गलबात की जा सकती है। तो उन्हां दी बहुत वड्डी देण हैगी, बहुत सारिया किताबां जिहड़ियां इन्हां ने अनुवाद कीती होंदी है मौलिक ने वो जरूर पढ़ो। तुसी कोई भी सुनेहा इन्हां तक पहुँचाना होवे तुसी सानू इस चैनल दे पते ते तुसी अपना सुनेहा जिहड़ा लिखती भेज सकते हो, असीं उह प्रोफेसर साहब तक जा दांगे। तो करदे हां धन्नवाद प्रोफेसर साहब, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मांगर साहब तुहाडा शुक्रिया कि तुसीं तशरीफ ले आए, मैनूं अपने नाल मुलाकात बख्शी और मेरा इंटरव्यू किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।